क्योंकि बहुत टाइम बाद शायद मुझे कोई लड़का पसंद आया और मैं उसके लिए अग्री हूँ. और वैसे मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो यार, मैं ऑलरेडी बहुत हर्ट हूँ और वैसे भी मैंने बहुत मुश्किलों से ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया था शादी वादी के लिए. चले जाओ यार, नहीं आना यार, मेरे को नहीं आना यार, चले जाओ यार. जी फाइनल है तुम्हारा यार, सोच लो अच्छे से अभी भी. यार फाइनल है मेरा, सोच लो अच्छे से अभी भी. अरे यार मैं इतना नर्वस फील कर रही हूँ, तो मतलब मैं सोच बहुत सोच समझ के ही तो बोल रही हूँ ना. अभी सोचने को और सोचने को क्या रह गया यार जिंदगी में, यार कब तक ये प्रैंक प्रैंक के खेल चलते रहेंगे. तुम मुझ पे कर रहे हो प्रैंक, तुम ही करते हो. मेरे को तो ये चीज तुम्हें बताइए, तुम्हारे ऊपर ही सूट करते हैं, मेरे पे तो बिल्कुल भी नहीं यार. तो फिर तुम्हारी मम्मी को मैं पसंद हूँ ना यार. मम्मी को पसंद हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बोलना चाह रहा हूँ. क्या? गाड़ी में चल के बात करते हैं, चलो यार. नहीं तुम बताओ क्या बोलना चाहते हो. गाड़ी में चल के बात कर लेते हैं. अरे गाड़ी में कर लेंगे, बात पहले एक बार क्लियर तो कर लो ना यार, पहले एक्सेप्ट करो. ये रख दो, अभी कर लेता हूँ, रख दो. एक्सेप्ट तो कर लो एक बार. रख दो यार, अभी कर लेता हूँ, रुक जाओ. तुम तो थोड़ा यार, तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये गलत है. मैं इतने प्यार से लेके आई हूँ और तुम ऐसे कर रहे हो, बताओ. बुरा लगता है यार. अच्छा बताओ ना फिर, कब कब का करें मतलब प्लान. आप बोल रहे थे ना शादी वादी, डेढ़ महीने से बोल रहे हो ना. तो मैं सोच रही हूँ यार, अपना लाइफ में ना सेटल हो जाते हो यार, सेटल्ड हो जाते हैं अच्छे से ना यार. मेरा भी ठीक है काम और तुम्हारा भी ठीक है, तुम मिलजुल के कमाएंगे और मतलब एक अच्छी ज़िंदगी. वो कहते हैं ना वो ड्रीम लाइफ वाली, एक तुम एक मैं और एक प्यारा सा बेबी और फिर एक प्यारा सा डॉगी. एक प्यारा सा डॉगी, यही तो है ना हैप्पी वाली लाइफ. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, एक पहली बात सुनो. क्या बोलना चाहते हो? प्रैंक चल रहा है ऐसा बोलना चाहते हो? आज 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 कोई कैमरा नहीं लगा है, सीरियसली मैं बोल रही हूँ कि फीलिंग्स है इसलिए बोल दिया. सो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले आज मैं आपको एक गुड न्यूज शेयर करने वाली थी. मैंने आज पोकर खेलकर बहुत सारे पैसे कमाया, सोचा मैंने अभी आपको इस चीज के बारे में शेयर कर दूं. पोकर एक स्किल बेस्ड गेम है जिसको आप आसानी से सीख सकते हो एंड डेली इससे अच्छे खासे आप इससे पैसे कमा सकते हो. पोकर एक कार्ड गेम होता है, पोकर में कार्ड्स के लेवल होते हैं एंड आपको बेस्ट पोकर हैंड बनाना होता है. इसको सीखने के लिए आप pokerbaazi.com पर विजिट कर सकते हो, जहां आपको बिगनर्स ट्यूटोरियल प्रैक्टिस टेबल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जहां आप सीख सकते हो एंड उसके बाद आप कैश गेम में हजारों रुपए कमा सकते हो. विनिंग अमाउंट इजिली एंड इंस्टेंटली विड्रॉल हो जाती है. ये इंडिया का बिगेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पोकर प्लेटफॉर्म है. सो गाइस इसलिए मैं पोकर बाजी पे खेलती हूँ क्योंकि यहाँ बेस्ट प्लेइंग एक्सपीरियंस मिलता है. साथ में फ्री एंट्री टूर्नामेंट का भी आप मजा ले सकते हो और 30 लाख तक के मंथली प्राइस पूल से आप कमा सकते हो. सो गाइस वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से जाओ. डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया, इसको जाके डाउनलोड करो, 100 रुपीज बोनस लो, सीखो और कमाओ. बात सुनो मेरी, मैंने घर पर बोला, उन्होंने मेरे से बार बार पूछते हैं कि रिट से बात हो रही है नहीं हो रही है. तो मैंने उनको यही बोल दिया कि मेरी रिट से बात नहीं हो रही बिल्कुल भी. मेरे से बात नहीं हो रही है तुम्हारी? नहीं. तो मेरे से तो तुम्हारी बात हो रही है ना यार. लेकिन मैं कब तक करूँ यार ये चीजें? यार कब तक क्या करूँ यार, देखो प्रैंक थे वो, ठीक है. तुमने मुझ पे किया, मैंने तुम पे किया, तुमने मुझ पे फिर किया, मैंने तुमसे बदला ले लिया. यार उस चीज़ों को भूल जाओ ना यार, मिट्टी डाल के नई जिंदगी शुरू करते हैं ना यार. और सीरियसली मैं बहुत टाइम बाद शायद मतलब किसी के लिए शादी के लिए सोच रही हूँ. बहुत मुश्किल है, सीरियसली बोल रहा हूँ. यार तुम क्या बोल रहे हो यार, ये क्या 1.5 महीने से तो तुम मेरे पीछे पड़े थे, शादी कर ले शादी कर ले. वो ठीक है उस टाइम तक तो मेरे घर वाले सब लोग एग्री थे, लेकिन आपका पता नहीं क्या चल रहा था, प्रैंक प्रैंक प्रैंक. वो सोच रहे तेरी लाइफ ही प्रैंक होगी, हर बार प्रैंक हो जाता है कुछ ना. और अब तुम ऐसा कर रहे हो ना तो मेरी जिंदगी प्रैंक हो जाएगी. और मैं सीरियसली बोल रही हूँ बात, क्योंकि बहुत टाइम बाद शायद मुझे कोई लड़का पसंद आया और मैं उसके लिए अग्री हूँ. बेबी मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो. व्हाट बेबी यार, क्या मतलब मैं बोल रही थी तुम्हें थोड़ा टाइम दे दो, तुम वही चीज़ें मुझ पे झेप रहे हो अब कि तुम्हें मैं टाइम दे दूँ. अभी यार देखो मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं शादी वादी के लिए. देखो तुम्हें करनी है तो कर लो, ठीक है. अदरवाइज सीरियसली इस बार मैं टूटी ना, फिर मेरे को जिंदगी में कोई इंसान नहीं जोड़ सकता. इवन मेरे माँ बाप भी नहीं जोड़ सकते, अभी कोई नहीं संभाल पाएगा मुझको. यार क्या सुनूं मैं यार, पहले बात को तो सुन लो यार. तो गुस्सा इतना तुम्हारी नाक पे रखा रहता है ऑलवेज यार. वाह,
मतलब 1.5 महीने से बंदा मेरे पीछे पड़ा है, शादी कर ले, मुझे तो रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए, शादी कर ले, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ तो वो बंदा बोल रहा है कि अब वो वाला टाइम नहीं रहा, तुमने प्रैंक कर करके जिंदगी ऐसे कर ली है। यार क्या यार, तुमने भी तो प्रैंक किए थे ना यार, हिसाब हो गया ना बराबर। मैंने मेरी फीलिंग्स थी उस टाइम तक भी, तो अभी फीलिंग्स नहीं है तुम्हें मेरे को लेके? मेरी फीलिंग्स हैं, लेकिन अब मेरे को घर वालों को अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा ना यार। तो कितना टाइम लगेगा उसमें, बोल दो ना उनको यार, थोड़ा तो टाइम दो। अभी मम्मी ने बोला है कि बात करने की जरूरत नहीं है, ये वो है। क्या नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता अभी, मेरे को ही पता है, एक्सेप्ट करो बस वो। मैं अभी आप मम्मी को फोन करो, 2-3 दिन का टाइम दे दो यार। क्या 2-3 दिन का टाइम यार, 1.5 महीने से मम्मी और तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि हाँ चलो ठीक है लड़की अच्छी कर ले शादी कर ले। बता दे दो, मैं एक बात बता देता हूँ, एक लॉयर लड़की का रिश्ता है मेरे घर पर, मेरी बात तो सुनने की कोशिश करना, ये मजाक या कोई प्रैंक व्रैंक कुछ भी नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, रिश्ता है और वो लोग शायद परसों देखने भी जा रहे हैं। तो तुम कर लोगे किसी और से शादी? मैं फिर तो तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं यार। अरे वो तुम तो समझाने के लिए मैं आज किस लिए मिलने आया हूँ फिर आपसे, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि एक बार मेरे को घर पे तो बात करने दो, अब आगे फिक्स हुआ है तो कुछ तो बात करने दो ना, मैं मना कर दूंगा आगे से। यार तुम मतलब अगर मैंने तुम्हें मना कर दिया तो इंस्टेंटली तुमने अपने घर पे ये बोल दिया कि मेरे लिए शादी के लिए लड़की देख लो, और रिश्ता भी आ गया और परसों घर लड़की देखने भी जा रहे हो, फिर तो ये इन चीजों का फायदा ही क्या यार, फिर तो फिर आ गया ना गुस्सा आपको। यार खुद सोचो ना यार, मेरे मन में फीलिंग्स भी तो, अब मेरे मन में फीलिंग्स हो गई तो तुम ऐसे कर रहे हो यार। तुम्हें पता है मैं कितना पागल हूँ ना, तुम्हें पता है कि शादी 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 1.5 महीने से मैंने ही लगा रखा था, अब मैं मेरे को समझाने का टाइम तो दो, थोड़ा सा टाइम दे दे बाबा। यार थोड़ा टाइम क्या, मतलब थोड़े टाइम में तुम किसी और कहीं और शादी करके सेटल हो जाओगे यार, मेरा क्या होगा फिर यार। इट्स मेरे को थोड़ा यार, अरे तुम्हें मुझसे सच में प्यार था ना तो तुम अपने घर वालों को बोलते अभी रिश्ता देखना ही नहीं है। जब रिट्स अग्री हो जाएगी ना, जब उसको टाइम हो जाएगा कि वो कह रही अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम चाहिए, तब शादी करते ना यार। मतलब ऐसी क्यों इतनी हालदड़ उड़ती कि शादी करनी करनी है 10 दिन के अंदर अंदर यार, ये तो कोई मतलब नहीं होता ना। तुम्हें समझाना है ना यार, तो फिर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था यार कभी भी। क्यों नहीं था प्यार तुम्हें यार, मैंने तुम्हें शादी के लिए मना किया कि ये बोला टाइम चाहिए, मैंने डिनाई तो कभी भी नहीं किया था ना तुम्हें। तो मैं भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, तुम तो वही चीजें कर रहे हो ना जो मैंने एक मजाक में करने की कोशिश करी, लेकिन तुम तो रियल लाइफ पे मतलब रियल लाइफ में ऐसा बोल रहे हो, तो इफेक्ट पड़ रहा है मेरी जिंदगी पे इसका ना। मम्मी को थोड़ा सा हो गया है, अदरवाइज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मम्मी को तो मैं इसका मतलब कभी पसंद थी नहीं। अरे हाँ दे दो वापसी यार, दे दो। मम्मी को मैं फिर पसंद थी नहीं यार। मम्मी को अगर मैं इतनी पसंद होती, मम्मी को थोड़ा वेट करते ना यार, थोड़ा सा वेट करते ना शादी के लिए। हर कुछ चीज नेगेटिव लेके जाते हो, सीरियसली बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग बनो पहली बात तो यार। अच्छा थोड़े दिन पहले तुम मुझे क्या बोल रहे थे, तेरे से अंडरस्टैंडिंग लड़की दुनिया में नहीं, और आज तुम मेरे को यही बात बोल रहे हो अंडरस्टैंडिंग बनो। सिर्फ इसी अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में ना तुम 1.5 महीने से मेरे पीछे पड़े थे कि शादी कर ले, और तुम मेरे को ये चीजें बोल रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है। सिचुएशन पे बनो यार, सिचुएशन कोई भी हो, अंडरस्टैंडिंग होती है शैली। अभी मैं हूँ, दो दिन में ऐसा क्या कर लोगे? दो दिन पर यार, दो दिन में क्या होगा यार, परसों तो तुम रिश्ता देखने जा रहे हो। देखने जा रहे हैं, वो देख करके पक्का हो गया। देखो ये ना फालतू में काटने वाली बातें हो गया, ठीक है बात सुनो पहले, रिलैक्स हो जाओ। अरे यार क्या रिलैक्स हो जाऊं यार मैं इसमें, आप हाइपर मत हो, मेरे को दो दिन का टाइम दे दो बस, दो दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दो दिन बाद जादू है कोई, दो दिन बाद, हाँ दो दिन बाद सारा वो जादू किया, वो मंत्र और सब ठीक हो गया, जादू चल रहा है कोई, लग रही है मेरे यहाँ पे, लग रही है मेरे यहाँ पे। गाड़ी में बैठो, मैं नहीं आऊंगी लेकिन ठीक है। तुम आज वही सब बातें बोल रहे हो जो मैं सिर्फ एक मजाक करने के मैं प्रैंक करती थी ना उसके थ्रू, सिर्फ मजाक में बोलती थी, लेकिन अब तुम रियल लाइफ में मेरे ऐसे इफेक्ट कर रहे हो ना, ये चीजें बहुत गलत है। आप नीचे, मैं समझाता, तुम नीचे जाओ, मेरे को नहीं आना भाई सब, कहीं भी मुझे कहीं भी नहीं आना, तुम जाओ ऐसे। और वैसे मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो यार, मैं ऑलरेडी बहुत हर्ट हूँ, और वैसे भी मैंने बहुत मुश्किलों से ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया था शादी वादी के लिए, कि इस महीने में शादी वादी करके सब कुछ सेटल हो जाएगा, बॉम्बे चल लेंगे हम लोग जैसे कि तुम बोलते थे, लेकिन तुम्हारी सारी वर्डिंग्स चेंज हो गई यार अमित, सारी वर्डिंग्स चेंज है तुम्हारी, तुम कौन से अपने कमिटमेंट पे रहे फिर।
मैं तो मजाक किया था यार, एक प्रैंक करती थी मैं तो तुम पे, लेकिन तुमने तो रियल लाइफ में जिंदगी तबाह करके रख दी ना। फिर जा रहा हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा तुमने प्रॉमिस कर दिया और सब कुछ सही हो जाएगा, है ना? मैं वो प्रॉमिस कर, हो जाएगा ना ठीक। आप जल्दी से नीचे आओ बस, मैं जा रहा। मेरे को मेरे हाल पे छोड़ो यार, मत करो यार। ऐसे लड़के के साथ नहीं जाना जिसको जो कल परसों किसी लड़की के साथ रिश्ता देखने जा रहे हो। लड़की मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मम्मी जाएगी ना यार। अरे जाने दो ना, जाओ आप यार। मैं 10 मिनट जाओ, मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप पे यार। आप समझो मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप पे। मैं गाड़ी घुमा के लेके आ रहा हूँ, रोना नहीं चाहती बिल्कुल भी। मैं गाड़ी घुमा के लेके आ रहा हूँ, जल्दी जाओ यार। ऐसे जाओ तुम यहाँ से, जाओ यार। रिट्स क्या कर रहे? हेलो रिट्स, रिट्स मजा खोलो यार। रिट्स मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ यार, बोल तो रहा हूँ बीबी। हेलो, अरे प्रॉमिस कर रहा हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं मना लूंगा यार। रेट मैं नीचे खड़ा हूँ, अगर 10 मिनट में नहीं आएगा तो सोच लेना बस। एक बार बोल दो प्लीज, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो प्लीज। रेट बोल दो यार, गाड़ी मोड़ के लेके आ रहा हूँ, जल्दी से आ जाना नीचे, बता रहा हूँ। अरे आ जाओ यार, यार चले जाओ, मेरे को नहीं आना यार। अच्छा एक बार बाहर आ जाओ, फिर मैं चला जाऊँ बस, एक बार आ जाओ बस, चले जाओ यार, एक बार आ जाओ, चले जाओ यार, आ जाओ प्लीज। नहीं आना, दस मिनट में आ जाना, रिलैक्स होकर, ठीक है।